दोस्तों जितने ज्यादा आइकॉनिक एनिमे के कैरेक्टर्स होते हैं ना, उतने ही ज्यादा आइकॉनिक उनकी पावर्स होती है। इनफैक्ट पावर्स के जरिए ही हम गॉड टायर कैरेक्टर्स को पहचान पाते हैं। अब गोकू का सुपर सैयन मोड, नारुतो का शैडो क्लोन जुत्सु, लूफी का डेविल फ्रूट पावर, तांजीरो की सन ब्रीदिंग टेक्निक, ये सभी इन फेमस कैरेक्टर्स के पार्ट है। और अगर आपको आज के जमाने में एक फेमस एनिमे बनाना है ना, तो सबसे पहले उसके पावर सिस्टम को ही बनाना होगा। देखो सोलो लेवलिंग आज इसीलिए इतना ज्यादा फेमस हो पाया क्योंकि उसने अपने मेन कैरेक्टर को सबसे यूनिक और आउट ऑफ द वर्ल्ड पावर दे दी। एक और एनिमे है जिसका पावर सिस्टम मुझे पर्सनली बेहद पसंद है, माय हीरो एकेडेमिया। आज के समय में भले ही इस एनिमे का रेपुटेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब कुछ सालों पहले इसके शुरुआती सीजन्स रिलीज हुए थे ना, तब इसे टॉप एनिमेस के साथ कंपेयर किया जा रहा था और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिक पावर सिस्टम की ही बात कर रहे थे। क्वर्क्स, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली इस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स है जो उनके डे टू डे लाइफ का पार्ट है, बस उन्हें ही क्वर्क्स का नाम दिया गया है। देखो कुछ लोग बहुत ही सिंपल सी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अपने टेलीपैथिक पावर्स से पेंसिल या फिर रबर को उठाना। वहीं कुछ लोगों की सुपर पावर्स ना बेहद ही ऑफेंसिव और ओवरपावर्ड है। माय हीरो एकेडमिया की ये वाइड और यूनिक वैरायटी ऑफ सुपर पावर्स ही इसे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ऑलमोस्ट जितने भी पावरफुल क्वर्क यूजर्स है ना, वो हीरोज बनते हैं और अलग अलग विलेन से फाइट करते हैं। हीरोज और विलेन्स में माय हीरो एकेडमिया का सबसे बड़ा पार्ट है। इन दोनों ही ग्रुप के लोगों के पास कुछ बहुत ही खतरनाक सुपर पावर्स है और आज मैं उन्हीं ओवर पावर्ड क्वर्क गॉड्स की ही बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 5, डार्क शैडो। फुमिकागे तोकियामे का क्वर्क हमेशा से ही पावरफुल माना जाता रहा है, लेकिन उसे कभी भी ओवर पावर्ड क्वर्क का नाम नहीं दिया गया। ये बात तो क्लियर है कि तोकियामा क्लास 1A के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है, और सच बताऊं तो वो उससे भी ऊपर आ सकता है। सच बताओ तो लोग उसके क्वर्क को इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं देते। बेसिकली तोकियामा का क्वर्क उसे एक मॉन्स्टर पर कंट्रोल देता है जिसका नाम द डार्क शैडो है। ये मॉन्स्टर तोकियामा से जुड़ा हुआ है और सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकल सकता है। तोकियामा इस डार्क शैडो को बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से कंट्रोल कर सकता है और उससे अपनी बात मनवा सकता है। अब जितना ज्यादा गहरा अंधेरा होगा ना, डार्क शैडो उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तोकियामा लाइट में कमजोर हो जाता है, उसका डार्क शैडो रोशनी में पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन डार्क शैडो के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तोकियामा चाहे तो अंधेरे में डार्क शैडो का बहुत ही पावरफुल रूप मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन उस रूप में तोकियामा कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे डर है कि डार्क शैडो इतना ज्यादा पावरफुल और अनकंट्रोलेबल बन जाएगा कि वो हीरोज पर ही हमला करने लगेगा और शायद उन्हें हरा भी देगा। देखो बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद तोकियामा डार्क शैडो को लाइट और डार्कनेस दोनों में कंट्रोल करना सीख पाया है। पर एक और चीज है जिससे डार्क शैडो पावरफुल बन सकते हैं और वो है तोकियामा के इमोशंस। देखो तोकियामा जितना ज्यादा गुस्सा होगा ना, उसका डार्क शैडो उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा, लेकिन इससे भी उसके डार्क शैडो पर कंट्रोल कम होता जाएगा। तोकियामा डार्क शैडो को मल्टीपल वेज में यूज कर सकता है। वो उसे अपने बॉडी के अराउंड रैप करके एक सूट ऑफ आर्मर बना सकता है या उसकी मदद से उड़ भी सकता है। अब मांगा में तोकियामा के कुछ बहुत ही लाजवाब फीट्स आने वाले हैं और लॉजिकली भी देखें तो डार्क शैडो एक ओवर पावर्ड क्वर्क है। नंबर 4, कॉपी टेक्निक। अरे नहीं नहीं, हम कॉपी निंजा काकाशी की बात नहीं करने वाले, लेकिन ये क्वर्क ऑलमोस्ट उसी तरीके से काम करता है। नियतो मोनोमा इस यूनिक क्वर्क को कंट्रोल करता है। ये जितना ज्यादा सिंपल साउंड कर रहा है ना, एक्चुअल में भी उतना ही सिंपल है। देखो इस क्वर्क की मदद से नियतो दूसरे हीरोज के क्वर्क्स को अपनी बॉडी में कॉपी कर सकता है और उन्हें अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए उसे अपने ओपोनेंट को फिजिकली टच करना पड़ेगा। वो ऑलमोस्ट 10 मिनट तक उस क्वर्क का इस्तेमाल कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक साथ 4 क्वर्क्स को भी अपनी बॉडी में फीड कर सकता है और बैटल के वक्त मन मुताबिक स्विच कर सकता है। किस्मत से ये टेक्निक ना उतनी भी ज्यादा ब्रोकन नहीं है जितनी आपको लग रही है, वरना वो वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की पावर्स का मालिक बन जाता। उसकी बॉडी और माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वर्क्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि अगर उसने वन फॉर ऑल टेक्निक को कॉपी किया और उसे यूज करने की कोशिश की ना, तो बिल्कुल डेकू की तरह वो अपनी उंगलियां या हाथों को ब्रेक करने लगेगा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने इस क्वर्क को बहुत ही क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकता है और पावरफुल विलेंस के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट कैरेक्टर बन सकता है। नंबर 3, हाफ कोल्ड हाफ हॉट। दोस्तों अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर शोटो टोदोरोकी के बारे में। आई थिंक ऑलमोस्ट
सब जानते हैं कि टोडोरोकी के पास सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क है। टोडोरोकी के पास एक साथ दो पावरफुल नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर्स है, फायर एंड आइस। देखो एमएचए के पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ टोडोरोकी ही है जिसके पास इस तरह की यूनिक पावर यूज करने की शक्ति है। आप सिर्फ उसके आइस को कंट्रोल करने की पावर्स देखकर ही बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। आप सब जानते होंगे कि टोडोरोकी के पिता एंडीवर है जो कि खुद जापान के टॉप हीरो है और जो फायर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। नाउ बेसिकली उसके पिता एक ऐसा हीरो बनना चाहते थे जो दोनों फायर और आइस को कंट्रोल कर सके। टोडोरोकी की माँ आइस के एलिमेंट को कंट्रोल करती है। अब टोडोरोकी के बहुत से भाई बहन भी है लेकिन सिर्फ एक वही है जो फायर और आइस दोनों को ही कंट्रोल कर सकता है। फायर और आइस को एक साथ कंट्रोल करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जो लोग सिर्फ फ्लेम्स को कंट्रोल करते हैं उनकी बॉडी पर एक्सट्रीम प्रेशर आता है और वहीं पर जो लोग सिर्फ आइस के एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं ना उन्हें फ्रॉस्ट बाइट जैसी चीजें होने का खतरा होता है। लेकिन टोडोरोकी एक साथ दोनों एलिमेंट को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को स्टेबल रख सकता है और दोनों ही पावर्स को फुल कैपेसिटी के साथ रिलीज कर सकता है। वो जायंट वॉल ऑफ आइस बना सकता है और अगले ही सेकंड अपने फायर पावर भी रिलीज कर सकता है। आगे चलकर मांगा में वो अपनी आइस और फायर दोनों की पावर्स मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक बनाने वाला है। अब अगर इस पावर के साथ टोडोरोकी क्वर्क गॉड्स की लिस्ट में नहीं आ पाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और आ पाएगा। नंबर टू, एराश्योर। दोस्तों बेशक स्ट्रॉन्ग फिजिकल पावर्स या स्पीड या एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर्स ओवर पावर्ड हो सकती है लेकिन एक चीज है जो इन सभी को नलीफाई कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एराश्योर की। एराश्योर का क्वर्क एमएचए के सबसे ब्रोकन क्वर्क्स में से एक है। आइजावा सिर्फ अपनी आंखों से अपने दुश्मन को देखकर उसके क्वर्क को नलीफाई कर सकता है और उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बना सकता है, फिर चाहे वो वन फॉर ऑल हो या ऑल फॉर वन। एराश्योर सभी के क्वर्क्स छीन सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि एराश्योर से ज्यादा बेटर सपोर्ट और कोई हीरो दे सकता है। अब अगर आपके पास कोई नॉर्मल सी सुपर पावर भी होगी ना तो एराश्योर के साथ मिलके आप सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को हरा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि इतने पावरफुल क्वर्क के साथ लिमिटेशंस भी आती है। आइजावा कॉन्स्टेंटली अपने ओपोनेंट को देख नहीं सकता, इससे उसकी आंखें भी काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। इसके साथ ही आइजावा के पास कोई ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है। बहुत सारे विलेंस मिलके ना उसे आराम से ओवरपावर कर सकते हैं। हीरोज भी जब आइजावा के साथ मिलके फाइट करते हैं तो उन्हें उसे बचा के रखना होता है ताकि उनका एडवांटेज गायब ना हो जाए। एक ऐसी दुनिया में जहां पे क्वर्क्स ही सब कुछ है, वहां पर अगर कोई आपके क्वर्क को छीनने की एबिलिटी रखता है तो उसे ओवरपावर बोलना ना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नंबर वन, रिवाइंड। दोस्तों देखिए एक रीजन है कि ओवरहॉल एमएचए यूनिवर्स का सबसे रथलेस विलेन एरी की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहता था। एरी के पास बहुत ही सिंपल एबिलिटी है, वो रिवाइंड की पावर्स यूज करके किसी हीरो या विलेन की बॉडी उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकती है। मतलब की मान लीजिए की आपके बॉडी पर कोई बहुत ही खतरनाक कट आ गया है, एरी अपनी पावर से आपको तुरंत हील कर सकती है और बॉडी को अपने पुराने वाले स्टेट में पहुंचा सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ डैमेज्ड बॉडी को हील ही नहीं कर सकती बल्कि बॉडी मॉडिफिकेशंस को रिवर्स कर सकती है और लोगों को यंग भी बना सकती है। एरी ने अपने पिता को ज्यादा देर तक टच करके बेसिकली उनका एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था। ये क्वर्क भले ही ऑफेंसिवली बहुत ताकतवर ना हो लेकिन इसका इस्तेमाल करके दूसरे हीरोज को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। एरी अभी भी बच्ची है इसलिए वो अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैच्योर होने के बाद वो जरूर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकती है। वैसे दोस्तों अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत से ऐसे हीरोज हैं जिनके क्वर्क्स के बारे में हमने बात भी नहीं की है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज करूं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा होते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड एपिसोड भी लेकर आऊंगा। और क्या आप भी माय हीरो एकेडमिया के फैन हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।